जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मैं तुहाडी कित्थों लैके आ रहे हो? 225 की रोला माई नू रोला है। बच्चा जाया हो गया। अच्छा किन्ने चिर की कपन है? 10 माह हो चले। 10 महीने से किन्ना टाइम रह गया? रह गए 14-15 दिन। 14-15 दिन रह गए। तुहानू किस तरह पता लग्या बच्चा जाया हो गया? वो रात को ने मैला सुटिया काफी सारा, इन्हें चिक्कड़ किया काफी सारा। ये दिखा दें जिस तरह ये सामने इसने नीचे गिराया हुआ ना। अच्छा खाना पीना कैसे है इसका? सही है। खाना पीना बिल्कुल ठीक है अभी। अच्छा साथ तकरीबन दूध छोड़े को कितना अरसा हो गया? हो गए 7-8 माह हो गए। 7-8 माह हो गए। आप चेक करवा के ला रहे कहीं से? हाँ जी चेक करवाई। वो तो 200 क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये बच्चा जाया हो गया। उन्होंने जो टीके लाए उन्होंने, ठीक है 20-22 दिन बाद अपनी डिलीवरी हो जाएगी। 20-22 दिन बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो ये केस जी हमारे सामने मौजूद है, ये तकरीबन समझें कि अबॉर्शन का काम शुरू हो चुका। एक मैं बड़ी कीमती बात आप लोगों के साथ यहाँ करना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि लोग जब पूछते हैं ना कि ऐसे हमारे गाय का बच्चा ज़ाया हो गया, तो जब तक हम इसको अंदर से चेक नहीं कर लेते, जब तक हम इसको चेक करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये अल्ट्रासाउंड है मेरे पास पड़ा हुआ है, अब इसका मैं अल्ट्रासाउंड करूँगा आपको दिखाऊँगा। ठीक है जी, आपको दिखाता हूँ कि अल्ट्रासाउंड में आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चा डेड हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है तो आपको फिर कैसे पता लगेगा कि जानवर ने बच्चा ज़ाया कर दिया या नहीं? अगर तो अल्ट्रासाउंड आपके पास मौजूद नहीं है तो मेरे डॉक्टर साहबान सुन लें, आप अंदर हाथ डाल के फ्री माइटस चेक कर लें। फ्री माइटस जो है वो एक आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है बच्चेदानी को, तो वो इस बार इसकी तकरीबन जो है ना वो फील नहीं हो रही। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो नीचे से जो पेशाब वाला रास्ता है वहाँ से जब हम इसको हाथ डाल के चेक करते हैं तो फिर देखेंगे कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला हुआ है। फिर हम ऊपर से जाएंगे और देखेंगे कि बच्चेदानी के अंदर पानी कितना रह गया, फ्लूइड्स कितने रह गए और बच्चे की मूवमेंट है अंदर के नहीं है। और फिर हम आपको भी अल्ट्रासाउंड करके दिखाएंगे, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि इस केस का हमने क्या करना है, क्या इसका बच्चा अभी भी बचाया जा सकता सवाल ये है, और अगर बच्चा बचाया नहीं जा सकता तो बच्चे को बाहर कैसे निकालना है, इस पे हम आज का सेशन करेंगे। यार वो कितने दस्ताना फिजान के पास होगा? ये मेरे पास है बिल्कुल तेल। सबसे पहले जी आपने नीचे पेशाब वाले रस्ते से जाना है और देखना है कि बच्चेदानी का रास्ता कितना खुला है। इसकी जो बच्चेदानी का रास्ता है जो सर्विक्स है वो इतनी खुली है कि मेरी दो उंगलियां जो हैं मुकम्मल अंदर जा रही हैं और बच्चे मतलब बिल्कुल जो सर्विक्स है उसमें दो उंगली का बड़ा बेहतरीन रास्ता मौजूद है। मतलब सर्विक्स खुलनी शुरू हो गई है तभी तो अंदर से ये गंदा आ रहा है। अब ऊपर से जाएंगे, ऊपर से जाके ये देखेंगे कि इसके अंदर फ्लूइड्स कितने हैं। तो बच्चेदानी के अंदर जो फ्लूइड है अभी मौजूद है, मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हुए लेकिन ये खाली करना शुरू कर गई है। ये पकड़ी का सर, ये आप पकड़ लें मेरे मुंह के पास ही रखिएगा। अब इसका हम करेंगे अल्ट्रासाउंड। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी मैं अभी अंदर ले गया हूँ जी। बिस्मिल्लाह, ये मैंने बच्चे दाने के ऊपर प्रोब रखा हुआ है तो आप ये देख लें बेटा, फ्लूइड मिल रहा है आपको? बताएं जी, फ्लूइड आपको नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि सारे का सारा जो बच्चेदानी है ये आपको बच्चेदानी ही नजर आ रही है। और ये एक कैसा, इसको फ्रीज करें, जरा फ्रीज कर दिया। देखें ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये बच्चेदानी का है। अब अमूमी तौर पे जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो ये सारा का सारा अंदर वाला हिस्सा ब्लैक नजर आता है। बच्चेदानी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसकी वजह से क्या नजर आता है जी? ब्लैक नजर आता है। अभी आपको यहाँ पर वाइट वाइट निशानात नजर आ रहे हैं, मैं दोबारा लेके जाऊंगा। जो वाइट निशानात है वो एक्सुडेशन है। क्या जी? एक्सुडेशन है, और वो शो कर रही है कि फ्लूइड खत्म हो चुके, एक्सुडेशन बनना शुरू हो चुका, अब ये जाया हो गया। मैं दोबारा करता हूँ, ये अंदर ये देखें, देखिए नजर आ रहा है आपको ये डॉट डॉट से वाइट डॉट्स, ये सारे क्या है जी? एक्सुडेशन शुरू हो चुकी है और ये समझे कि प्रेगनेंसीज की जाया, ये देख रहे हैं क्लियर नजर आ रहा है आपको। अब ये अगर यहाँ से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो फिर ये अंदर ये जो है ये बच्चे के पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको। बच्चा चूंकि फुल साइज में है, 10 महीने का बच्चा है, ये डिफरेंट पार्ट्स है बच्चे के लेकिन फ्लूइड्स मौजूद नहीं है। और एक और चीज़ देखें, आपको भी प्लेसेंटोम जो है वो भी अलग से उनको डीमार्क करना कोई इतना आसान नहीं है अभी, ऐसे ही जी। तो ये जो बच्चा ये 100% अंदर ज़ाया हो चुका है। तो अल्ट्रासाउंड भी हमें ये बता दिया, दूसरा हम अपने हाथ की मदद से भी चेक कर लेते हैं।
ये देखें, ये सारे के सारे एक्सोडेट अंदर शो कर रहे हैं कि बच्चा जो है ये ज़ाया हो चुका। अच्छा जनाब अली, अब इसका हमने करना क्या है? भाई जान जनाब, कल मेरी गवर्नर सुन रही है, अब इसके ना जी हमारे पास सबसे पहला सवाल ये है, क्या हमने इसका बच्चा बचाना है? आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बचाना, बचाना है। बच्चा डेड हो गया तो जो चीज़ डेड हो जाए ना वो बचाई नहीं जा सकती, आप तब तक बचा सकते हैं जब तक कोई चीज़ जिंदा है, ऐसे ही है ना। लाइट हॉस्पिटल में एक बंदा लेके जाए वो फोत हो जाए वो क्या कहते हैं? ले जाओ आप इसको दफना दो, तो ये तो नहीं कहते कि मर गया तो इसकी हम कोशिश करते हैं कि इसको जिंदा कर। एक बात तो हमने मशीन से देख ली कि बच्चा अंदर मर गया, ये कंफर्म हो गया, हाथ से भी देख लिया मशीन से भी देख लिया, पहली बात क्लियर हो गई। तो एक बात याद रखें, अगर बच्चा अंदर मर गया है तो भाई उसको अंदर रोकना नहीं है। यहाँ पर फील्ड में अक्सर औकात एक गलत स्टेप लिया जाता है कि प्रोजेस्टेरोन के टीके लगा दिए जाते हैं और बच्चे को अंदर रोकने की कोशिश की जाती है, ये गलत है। अब बच्चे जाने का मुंह भी खुला हुआ है, मेरी दो उंगलियां अंदर जा रही हैं, अब इन्फेक्शन जो है बाहर से अंदर बच्चेदानी में घुस सकती है, ठीक है? जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे ना ये कमजोर होना शुरू हो गई है ना, अभी और होगी, इसको बुखार होना शुरू हो जाएगा, ये खाना पीना कब कर देगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल ही बैठ जाएगी। अब इसका करना क्या? आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको टीके लगाएं और इसके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करें, उसमें लगेंगे 3 से 5 दिन। कितने जी? 3 से 4-5 दिन। 3 से 5 दिन लगेंगे। कई लोग बच्चा निकालने के लिए टीका लगाते हैं और फिर वो सुबह को लगाते हैं टीका, शाम को पूछते हैं बच्चा बाहर नहीं आया, ऐसे नहीं होगा, उसमें 72 से 120 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कुछ केसेस में बच्चे जाने का रास्ता नहीं खुलता, कुछ केसेस में नहीं खुलता, फिर उसके ये हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो क्या है जी? ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस बात को ज़हन में रखें, तो हम कभी भी ऑपरेशन पे नहीं जाएंगे, हम पहले इसको इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगा के हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये बच्चा बाहर निकल आए। जब ये बच्चा बाहर निकल आया तो फिर तो मसला ही हल हो गया। लेकिन अब अगली बात एक और सुनो, ये जो मसला है बच्चा फेंकने वाला, इसमें एक बीमारी है 18 का जो मसला होता है, एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है जिसको ब्रुसेला बोलते हैं। अगर तो ये ब्रुसेला की वजह से है तो भाई ये अगले सुबह में भी कर सकती है, ठीक है, और आगे इसके जो बच्चे पैदा होंगे ये उनमें भी ये बीमारी ट्रांसफर कर सकती है। इंशाल्लाह पहले भी ऐसे इसने बच्चा फेंका है ना, बिल्कुल। तो ये भाई बता रहे हैं कि पहले भी बच्चा फेंकने की इसकी आदत है, एक 7 माह का, पहले 7 माह का फेंका, फिर 3 माह का, फिर 2 माह का, अब 10 माह का, तो अभी तक बच्चा नहीं दे पा रही। हम इसका टेस्ट करवाएंगे ब्रुसेला का, मैंने ये मंगवा ली है ब्लड सैंपल, इसका टेस्ट करवाएंगे, अगर तो ये ब्रुसेला पॉजिटिव आ गई तो भैया फिर इसको रखना आपके लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आती है, ठीक है, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए नुकसानदेह, आपके मोहल्ले में रहने वाले जानवरों के लिए नुकसानदेह, तो फिर इसको निकाल देना बेहतर है। अगर ये बीमारी नहीं आती तो फिर आपके मशवरे से इसको फिर बच्चा निकालने के बाद जो दोबारा गबन करना है उस पर हम चल सकते हैं, ठीक हो। लेकिन हम जो फार्म के लोग हैं, हमारा ताल्लुक डेयरी फार्मिंग से, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, कोई कारोबारी लोग हैं ना, आप हैं शौक करने वाले, उसी कार शौक ना रखी, शौक ना रखी, बिल्कुल तुहाडे घर दा फर्द है, हमारे पास होते हैं कारोबारी, तो अगर तो शौक की बात की जाए तो फिर तो यही है कि इसका बच्चा किसी तरह भी निकाला जाए और इसको आगे गबन किया जाए, अगर ब्रुसेला नेगेटिव आती है तो। अगर कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू जो है तकरीबन 1.5 लाख से है, 1.5 से 2.25 लाख के बीच में, तो अगर मैंने कारोबार करना हो तो मैं इसको बेचूंगा और इसकी जगह पे, क्योंकि जिस हालत में खड़ी है ना अभी कसाई इसको ले जाएगा, जब ये कल को 10 दिन बाद ढीली हो गई, चलने से आवाज़दार होगी, फिर कसाई ने इसको नहीं लेना, फिर उसका रेट लगाएंगे 50,000 लगाएगा, कुछ 8,000 लगाएगा, इसका फैसला जो भी करना है जल्दी करना होगा। अभी निकल जाएगी 1.5 लाख की, उसमें 1.5 लाख रुपया और डालें को 3 लाख की दरमियानी सी भैंस ला के अपने किले पर बांध लें और चुवाई शुरू कर लें, कारोबारी फैसला ये है, ठीक है जी। क्योंकि अब इसको अगर बच्चा निकालते भी हैं, बच्चा निकालने का निकल जाता है मिसाल के तौर पर, उसके बाद तकरीबन आगे गर्मी आ गई, मज्जा गर्मी जो वैसे ही कट बोल दिया,
ज्यादातर चांसेस यही ने कि अगले सर्दियों से अक्टूबर नवंबर से कितने गबन होएगी। इस तरह ही होना ही है, इस तरह ही होना ही है। इसका मतलब ये होया कि साल जाया हो गया, साल जाया बिल्कुल। आगे फिर साल इन्हें बच्चा पेट से रखना है। 11 माह इन्हें दूध देता है, क्योंकि ये शौक वाले बंदे हैं, इन्होंने निकालनी तो नहीं, ये सिर्फ उस वक्त निकालेंगे अगर ब्रुसेला पॉजिटिव है। अगर वो जरासीम ब्रुसेला का नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका टीका लगा देंगे इसको ताकि ये बच्चा फेंगे। यहाँ पे डेल्माजीन का टीका 2 दिन लगातार लगाएं, 2-2 cc आज भी लगाएं कल भी लगाएं। और जो स्टीराइड है डेक्सामेथासोन डेकाड्रान के नाम से 20 ml वो आपने गोश्त में आज लगा देना है। 5 दिन तक इंतज़ार करना, बच्चा फेंक दे दुआ करें, नहीं फेंका तो फिर इसको ऑपरेशन पर लेके जाना पड़ेगा। ऑपरेशन पर आने वाला खर्चा तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया आराम से है। दवाइयों का खर्चा, इसके ऊपर खर्चा आना है, ऑपरेशन करवाने के बाद फिर खर्चा आना है, तो ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो ये यहाँ पे फैसला ऑनर नहीं करना, हमने इनको सारी डिटेल बता दी है। तो यहाँ पे आज के सेशन में 2 चीज़ें याद रखें, जब भी अबॉर्शन हो जाए 5 माह से ऊपर तो ब्रुसेला टेस्ट करवा लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर अबॉर्शन शुरू हो जाए, बच्चा गिराना शुरू कर दे तो फिर इसको रोकना नहीं, फिर इसको गिराने की नहीं, तो फिर ये इसके लिए नुकसानदेह हो। जब बच्चा गिरा देगी तो ठीक है, अगर नहीं गिराएगी फिर इसका आखिरी हल ऑपरेशन है। लोग कहते हैं कि हमने बड़े नुस्खे अपना लिए, बच्चा नहीं फेंक रही, तो फिर उसका आखिरी हल ऑपरेशन है। ऑपरेशन टाइम पे कर लेंगे तो फायदा, अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर उसके जानवर के जाया होने के चांसेस ज्यादा है। टाइम पे ही ऑपरेशन का फायदा, इस बात को ध्यान रखिए। वैसे भी इस तरह ना 11 माह घर कोई नहीं खर्चा दे रहा है, शौक ना भी ना जाए जी। आप देखे इस भाई की आंखों में ना पानी आ गया, इस बंदे की मोहब्बत इस जानवर से इतनी है कि आंखों में पानी आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ब्रीड इंप्रूव करनी है ना तो ये लोग हैं जो ब्रीड को इंप्रूव कर सकते हैं। इस भैंस पे इतनी एफर्ट कर रहे हैं, 4 बच्चे फेंक चुकी हैं, अभी भी दिल से लगा के बैठे हैं, तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहते। मेरी दुआ है अल्लाह करे ब्रुसेला नेगेटिव हो, हम इसको आगे लेके चलें, कोशिश करें, पूरा जोर लगा दें। ये बंदा जोर लगाने को तैयार है तो हम क्यों ना लगाएं, हम भी पूरा जोर लगा दें इसको दफन करने के लिए। इसके लिए दुआ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। सलाम अलैकुम।